नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह एंड्रॉयड लर्निंग पॉडकास्ट में खुश आमदीद। इस पॉडकास्ट में हम उबर एप्लीकेशन को यूज़ करना सीखेंगे और उसमें राइड किस तरह बुक की जा सकती है आज हम ये सीखेंगे। एप्लीकेशन को ओपन करती हूँ। सबसे पहला ऑप्शन Travel responsibly, follow safety guidance. ये है, उसके बाद लेफ्ट टू राइट स्वाइप करूंगी। Enter destination. Enter a destination, यानी कि हमें वो डेस्टिनेशन डालनी है जहां हमें जाना है। Enter destination. सबसे पहले डबल टैप करती हूँ एंटर डेस्टिनेशन पर। Showing English, UK, N, N, A, A, Ma, I, I, A, S, S, Nails, U, U, N, B, U, A, H, H. नई सुबह की लोकेशन सेलेक्ट की है मैंने, डबल टैप करती हूँ। English, UK. Back. Tap to edit your list. Fares are slightly higher due to increased demand. Moto.pkr 105.00.seats 1. Affordable and quick motorcycle rides selected. Auto.pkr 160.00.319pm drop to off.seats 2. Mini.pkr 195.00.320pm drop to off.seats 2. अब यहाँ पर मोटो, ऑटो और मिनी, ये तीन ऑप्शंस आ रहे हैं और हर ऑप्शन के ऊपर उसके रेट भी लिखे हुए आ रहे हैं और साथ साथ ये भी लिखा हुआ आ रहा है कि कितनी सवारियां उस पर आ सकती हैं। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जहां हम एक गाड़ी में तीन, चार या पांच भी बैठ जाते थे, लेकिन अब जितनी की इजाजत दी गई है उतने बैठेंगे। ऑटो, ऑटो के लिए दो। मोटो यानी के बाइक पे एक। मिनी पर भी दो लोग ही बैठ सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर रेट भी लिखे हुए आ रहे हैं और साथ साथ कितने लोग बैठ सकते हैं गाड़ी में, रिक्शा में या बाइक पर, वो भी लिखा हुआ आ रहा है। सबसे पहले तो हमने अपनी लोकेशन सेलेक्ट की जहाँ हमें जाना है, उसके बाद हमने यहाँ से सेलेक्ट करना है कि हमें कार में जाना है, बाइक पे जाना है या ऑटो पे जाना है। मोटो पर डबल टैप कर दिया मैंने, यानी के बाइक। अब ये लिखे हुए आ रहे हैं इतने पैसे बनेंगे। जैसे कि मैंने करीम एप्लीकेशन में बताया था कि वहाँ पर भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने कार्ड से पे करना है या कैश देना है, और यहाँ भी हम डबल टैप करके इस ऑप्शन से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कैश सेलेक्ट करना है या कार्ड से पे करना है। कंफर्म मोटो, डबल टैप करते हैं इस पे। English, UK. Selected pickup location plot D170. Double tap to edit. अब हमने पहले ड्रॉप बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने ये सेलेक्ट कर लिया कौन सी सवारी पे जाना है हमें, उसके बाद हमने अब पिकअप लोकेशन सेलेक्ट करनी है, डबल टैप करती हूँ। Showing plot D170, Federal, plot 22SH, Magnet Shopping City, plot Habib Medical Center. अब ये कुछ करीब की लोकेशन आ रही है, इनमें से भी सेलेक्ट कर सकती हूँ और यहाँ पर भी मैं लिख सकती हूँ। तारिक लिख दिया, यहाँ पे तारिक रोड आ जाएगा। तारिक सेंटर आ गया। तारिक बिन ज़ियाद रोड। तारिक रोड। Tariq Road, Pakistan Employees Cooperative Housing Society, Block 2, Patches, Karachi, Pakistan. इस पर डबल टैप कर देती हूँ।
English, new, selected pickup location, Tarrick Road. Double tap, confirm pickup button. Confirm pickup, इस पे double tap कर देती हूँ. Back, confirm new fare, PKR 87.00. Your total fare was updated to reflect your new pickup point. Confirm fare, button. To help keep each other safe, please follow any government orders about COVID-19 and take these actions. अब COVID-19 के हवाले से हमें कुछ चीजें बताई जा रही हैं, जिनका हमने ख्याल करना है. One, wear a mask as required by law. मास्क पहनना है हमें. Two, wash or sanitize your hands before and after your trip. अपने हाथों को सैनिटाइज करना है राइड से पहले और राइड के बाद. Three, when taking a car, sit in the back seat. अगर हम कार बुक करते हैं तो हमें पिछली सीट पर बैठना है. Four, the number of riders is limited to 2 on Uberts, Ubergo, Mini and Uber Auto and 1 on Moto. जैसे कि मैंने पहले बताया कि मिनी और ऑटो में दो लोगों की इजाजत है और बाइक पर एक की. Five, where possible, open the windows to increase air circulation or turn on the air conditioning in fresh air mode. अब ये कहा जा रहा है कि हम विंडोज को ओपन करके रखें गाड़ी की ताकि हवा क्रॉस होती रहे. Learn more on your agree and ride button. अब ये ऑप्शन है एग्री एंड राइड. एग्री करें और राइड कर लें. डबल टैप कर दिया. Menu, trip information, calculated drop off, nice about center, add or change destination. Add or change destination, ये ऑप्शन होता है राइड करने के बाद हमने एक लोकेशन डाल के राइड कर ली. अब एड अ डेस्टिनेशन करके भी हम या तो चेंज भी कर सकते हैं और अगर हम एक से ज़्यादा लोकेशंस डालना चाहते हैं कि पहले इस जगह जाना है फिर अगली जगह पर जाना है किसी को छोड़ना है तो हम वो लोकेशन भी सेट कर सकते हैं. डबल टैप करके दिखाती हूँ. अब ये पहली लोकेशन तो ये डली हुई है. एड अ स्टॉप यानी कि वो जगह जहाँ पर हमें किसी और को भी छोड़ना है या किसी और ने भी हमारे साथ वहाँ जाना है उसके बाद हमने अपनी लोकेशन पर जाना है तो ऐड अ स्टॉप जो ऑप्शन है इस पर डबल टैप करके हम दूसरी लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं. Making changes can affect the price of your trip. If you add a stop or change your destination, your trip total will be updated. Please keep each stop under 3 minutes as a courtesy to your driver. ये लिखा हुआ है कि हम अगर लोकेशन ऐड करते हैं दूसरी तो उस हिसाब से फिर हमारा जो ट्रिप का रेट है वो चेंज हो जाएगा और उसके बाद जो अब रेट आ रहा है हमारे पास 105 आ रहे हों या जितने भी आ रहे हों उससे ज्यादा हो जाएंगे. कैंसिल कर देते हैं हमें अपडेट नहीं करनी. Yes, sir. 1500. Driver profile 4.KLG27. Your driver is 9 minutes away. Your driver is 9 minutes away. KLG20. Driver profile 4.9 star rating button. Yes, sir. What? Any pickup notes button. Yes, sir. 1512 trips. अब ये राइडर का नाम लिखा हुआ आ रहा है उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी आ रही है उसने कितनी राइड्स कंप्लीट कर ली हैं, इसके स्टार्स कितने ये सब कुछ आ रहा है. असल चीज़ जो उबर में समझने वाली है ना कि मैसेज कैसे करना है ड्राइवर को क्योंकि यहाँ पर मैसेज का बटन नहीं आता यहाँ आता है एनी पिकअप नोट्स. इस पर डबल टैप करती हूँ. अब यहाँ पर एडिट बॉक्स ओपन हो गया है. अभी मैं कुछ टाइप नहीं कर रही सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि ये एडिट बॉक्स ओपन है. अब एनी पिकअप नोट्स में जाकर आप मैसेज को टाइप कर सकते हैं. उसके अलावा ये कुछ ऑप्शंस भी हैं. I'm here. Be right there. I'm looking for you. I'm looking for you. Type your message. Edit box. Edit. Close. Button. ठीक है. I'm looking for you. ये कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं. इनमें से भी हम सेलेक्ट करके भेज सकते हैं. या बाज़ वक़्त राइडर जो है जब करीब पहुंच जाता है तो I'm here का ऑप्शन सेलेक्ट कर देता है. या अगर हम ढूंढ रहे हों राइडर को तो हम आई एम लुकिंग फॉर यू ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा हम कुछ टाइप करना चाहें तो राइडर का मैसेज भी यहीं आता है और हमें भी यहीं से रिप्लाई करना होता है. बैक करती हूँ. एनी पिकअप नोट्स पे मैसेज करेंगे उसके बाद आगे कॉल का ऑप्शन है. कॉल पे डबल टैप किया. अभी जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है ये मेरा नंबर लिखा हुआ आ रहा है राइडर का नंबर नहीं लिखा हुआ आ रहा. कॉल बटन ठीक है. एडिट योर फोन नंबर इसका मतलब ये है कि उबर में ये ऑप्शन नहीं है कि आप किसी भी नंबर से कॉल मिला लो राइडर को. आपने उबर पे जो नंबर डाला है अकाउंट बनाते हुए वही नंबर
यूज़ होगा कॉल करने के लिए, किसी और नंबर से कॉल नहीं लगेगी। तो इसलिए अब फर्ज करें आपके उस नंबर पे बैलेंस नहीं है जिससे आपने अकाउंट बनाया था, आपको दूसरे नंबर से कॉल करनी है, तो आपको यहाँ ऐड नंबर पे जाना है और वहाँ पर वो नंबर लिखना है जिससे आपको कॉल करनी है। जब वो नंबर ऐड हो जाएगा तो वो सिर्फ इस राइट के लिए रहेगा, आप इस राइट के लिए उस नंबर को ऐड करने के बाद कॉल कर सकते हैं उस नंबर से। उसके अलावा अगर आप उसी नंबर से कॉल करना चाहते हैं जिससे आपका अकाउंट बना हुआ है, तो आप डायरेक्ट कॉल वाले ऑप्शन में जाएंगे, एडिट योर फोन नंबर इस बटन को छोड़ते हुए कॉल बटन पर आ जाएंगे और इससे कॉल कर लेंगे डायरेक्टली। मैं करती हूँ कैंसिल कर सकते हैं। ₹87 जो है वो लिखा हुआ है कि इतने बनेंगे। Cancel. Are you sure you want to cancel? You may incur a drop pickup location. Edit pickup. No button. Yes. Ride cancel हो गई है। तो इस पॉडकास्ट में हमने सीखा कि हम राइड किस तरह बुक कर सकते हैं। हमें सबसे पहले ड्रॉप ऑफ लोकेशन डालनी है, उसके बाद हमने राइड सेलेक्ट करनी है, और राइड सेलेक्ट करने के बाद हमें पिकअप लोकेशन सेलेक्ट करनी है। और अभी चूंकि COVID-19 की वजह से कुछ सेफ्टी के लिए हमें चीज़ें बताई जा रही हैं, हमें वो करनी है, उसके लिए हमें एग्री एंड राइड का ऑप्शन पर डबल टैप करना है। उसके बाद हमारी राइड बुक हो जाती है। राइड बुक होने के बाद हम अपनी ट्रिप डिटेल्स को ट्रिप इन्फॉर्मेशन बटन पर डबल टैप करके देख सकते हैं। तो ये था आज का पॉडकास्ट, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं हाजिर होंगी उबर एप्लीकेशन के पॉडकास्ट पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।